नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी ही नहीं बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप लोगों को टेंशन भी बहुत हो रही होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीटी 1 में मेरे कितने नंबर आए थे, सीबीटी 2 में मेरे कितने नंबर आए थे और फाइनली साइको में कितने नंबर आए थे और जो मैंने गलतियाँ की हैं। जैसे मैं फेल होते होते बचा था, बहुत से लोग ये बातें बताते नहीं हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चे थे उस बार जो फेल होते होते बचे थे और फाइनली पहुंच ही गए थे किसी कारण। तो वो गलतियां आपको कतई नहीं करना है क्योंकि आपके पास वैकेंसी का लेवल बहुत ही कम है, बहुत ही कम वैकेंसी है। तो उन गलतियों से आपको बचना है और उनसे सबक सीखना है। मैं तो कई जगह फंसते फंसते बचा था, जैसे सीबीटी 1 में भी मुझसे कई गलतियां हुई थी और उसके बाद साइको में भी गलतियां हुई थी। तो ये गलतियां आप लोग ना करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसे सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन आते हैं जिनकी गिनती 100 में होती, मार्किंग उनकी 100 में होती है। तो बहुत से बच्चों को तो अभी तक यही कन्फ्यूजन है कि अगर बोल दो कि 100 नंबर में, तो वो कमेंट करने लगते हैं कि 100 में कहाँ होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएंगे 75 ही, लेकिन आपको उनका उत्तर 60 मिनट में देना होगा और उनकी जो मार्किंग होगी वो 100 नंबर में होगी। सीबीटी 2 में क्वेश्चन आएंगे 100 और आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। तो ये सीबीटी 2 हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं साइको की ओर। साइको में 5 बैटरीज होती हैं और उन पांचों को पास करना, मतलब मिनिमम 42% लाना आपको अनिवार्य होता है। उनमें से किसी एक में भी आप, मान लीजिए 5 बैटरीज हैं, उनमें से किसी में क्या 42% से कम आ गए तो आप फेल हैं। आपके चाहे सीबीटी 1 में कितने रहे हो, सीबीटी 2 में कितने रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। हाँ, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपका सीबीटी 2 का 70% उठाया जाएगा और जो साइको है उसका 30% लिया जाएगा, तब जाके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए बहुत ही हित में रहेगा। आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि आप अपने सीबीटी 1 के मार्क्स बताइए, सीबीटी 2 के मार्क्स बताइए और साइको में कितने आए थे। तो उस समय बताना उचित नहीं था क्योंकि अगर जो चीज़ें, जो गलतियां मैंने की उस वक्त मैं आपको बताता तो आप शायद भूल जाते। ये समय बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है। मैं आपको अगर अभी बताऊंगा तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी और उनसे आप बचेंगे। और जो मेन गलती है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कभी अति आत्मविश्वासी ना बनना। कहने का मतलब है, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि मेरे स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट में 70+ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन इसको सोच के कि अब मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और आप पढ़ाई में ध्यान देना कम कर दें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ कभी ना करना। आपके 70 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, 80 लाइए, 80+ लाइए। तो पढ़ाई क्योंकि कभी कंप्लीट नहीं होती, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा करने की कोशिश करिए जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद कोई मायने नहीं रखता, आप 70 ला रहे थे, 60 ला रहे थे, 50 ला रहे थे। मेन मोटो या मेन फोकस होता है आपका सिलेक्शन पाना। अब मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मेरे कितने भी नंबर आए हों, आज मैं ईश्वर की दया से, ऊपर वाले की कृपा से एग्जाम निकल गया, आज मैं LP हूँ। अच्छा लगता है, घर वालों को भी अच्छा लगता है, जो हमारे हितैषी हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो और ये उस बाउंडर से मैं बाहर भी आ चुका हूँ जिसमें मारा मारी रहती है कि नौकरी पाना है, नौकरी पाना है। तो ये चीज़ें आपके साथ भी होंगी, आप इस सीमा को लांघिए, उसके बाद चाहे आप दूसरे तैयारी करें, कुछ भी करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पहले एटलीस्ट आप एक नौकरी पाइए। और वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और बढ़ते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको के मार्क्स। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दें। और एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी होली। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो जोन था गोरखपुर था, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर रोल नंबर, फिर मेरा नाम है मनीष कुमार सविता। मैंने जो 75 क्वेश्चन थे उसमें से 65 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 43 करेक्ट हुए थे और 22 गलत हो गए थे। ये मेरी पहली गलती थी जो मैंने क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट किए थे, 75 में से 65 अटेम्प्ट करना, उनमें से 22 गलत हो जाना, ये तो मेरे भाग्य ने साथ दिया या उस वैकेंसी की वजह से इतनी कम मेरिट गई थी जिसकी वजह से मैं सीबीटी 1 क्लियर कर गया था, नहीं तो मैं तो सीबीटी 1 में ही बाहर हो जाता।
तो आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान देनी है, वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं, उतने ही अटेंड करने हैं कि आपकी मेरिट, आपका नाम मेरिट में भी आ जाए और क्वेश्चन गलत भी कम हो। मुश्किल से अगर आप 4-5 गलत होते हैं तो आप सेफ हैं। अगर अब की बार आप लोग 4-5 से ज़्यादा गलत करते हैं या होते हैं तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। तो इस पर आप थोड़ी पैनी नज़र रखिएगा जब आप स्पीड टेस्ट दे रहे हों या मॉक टेस्ट दे रहे हों, तो ये देखिएगा कि आपसे कम से कम गलती हो, कम से कम क्वेश्चन गलत हो, तभी आपके लिए रास्ता आगे का आसान होगा। तो आपने देख लिया 65 अटैम्प्ट, तो आप लोगों ने देखा 65 अटैम्प्ट किए, 43 करेक्ट हुए, 22 गलत हो गए। अब तो आप देख सकते हैं मेरी शिफ्ट में जो थे क्वेश्चन इग्नोर एक भी नहीं हुआ था, वैलिड क्वेश्चन 75 थे, रा मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन में मुझे 35.66, मतलब मैंने 65 अटेंड किए थे और 42 सही हुए थे तो, और 22 गलत थे, तो कट पिट के मुझे 35.66 मिले थे। जो प्रो रेटेड मार्क्स थे, मतलब अब गिनती ये 35 को जो 35 नंबर आए इसकी गिनती अगर 100 में होती तो मेरे 47.55 या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मेरा 47.55 बना था। तो मेरे प्री जिसको सीबीटी 1 कहते हैं तो उसमें मेरे नंबर आए थे 47.55, और मुझे याद तो नहीं लेकिन शायद मेरिट जिसके 35 से या 30 नंबर से ऊपर गई थी प्री, वो सारे क्वालीफाई थे गोरखपुर से। तो सीबीटी 1 मैं क्वालीफाई कर गया था, मैंने ट्रेड मैकेनिक डीजल चुनी थी, पोस्ट ये थी, और आप लोग देख सकते हैं क्वालीफाइंग स्टेटस ऑफ पार्ट बी, यस, तो मैं सीबीटी 1 क्वालीफाई था। अब बढ़ते हैं सीबीटी 2 की ओर। ये रहा सीबीटी 2 का डाटा, वही आरआरबी गोरखपुर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम मनीष कुमार सविता। टोटल अटेम्प्ट जो थे वो 71 किए थे मैंने आउट ऑफ 100, जिसमें से टोटल करेक्ट 54 हुए थे और टोटल रॉन्ग 17, मतलब मुझसे गलतियां दोबारा हुई, 17 फिर गलत हो गए थे। तो ये गलतियां आपको दोबारा नहीं दोहरानी है, आपको, आपके पास अभी भी वक्त है, इसमें जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उस पर सुधार करिए और देखिए कि कहाँ कमी रह गई है। क्योंकि ऐसा होगा जब आप सीबीटी 1 दे के आएंगे तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपके पास सीबीटी 2 देने में समय 1 या 1.5 महीने का ही रेलवे बोर्ड देता है, तो आपके पास समय बहुत कम रहेगा। तो आप अभी से इन चीज़ों पर सुधार करते चलें कि क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो 10 या मतलब 5-6 के ही करीब रहें, ज़्यादा ना रहें। तो 71 क्वेश्चन में मेरे 54 सही हुए थे। अब देखते हैं आगे कि कितना मिला था, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जो मेरे 54 सही हुए थे और 17 गलत हुए थे तो कट पिट के मुझे 48.33 नंबर मिले थे। जो प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 में मुझे 48.33 प्राप्त हुए थे और नॉर्मलाइजेशन मार्क 63 मिला था। नॉर्मलाइजेशन थोड़ा अच्छा हो गया था क्योंकि मेरी सेकंड शिफ्ट जो भी थी वो, उसका पेपर भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत कठिन आया था हमारा, या 18 न्यूमेरिकल आ गए थे जो ईजी भी नहीं थे, कठिन भी थे, तो इस वजह से गलतियाँ लोगों से ज़्यादा हुई थी। तो इस वजह से भी ये जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है ये अच्छा खासा मिल गया था। तो मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क 63 हो गया था, मतलब 63.55। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं वही ट्रेड मैकेनिक डीजल और पोस्ट जो है, और फिर ये जब आप देखेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा और आप ये देखेंगे कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट उसको कहते हैं जो आप साइको देंगे, जब आप यस देखेंगे ना तो यकीन मानिए आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएगा, तो बहुत खुशी का दिन भी होगा वो। तो ये मैं पास कर गया था। अब बढ़ते हैं साइको की ओर। तो ये आप लोग देख रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कार्ड। टेस्ट 1 में मेरे 58% आया था, टेस्ट 2 में 56% आया था, टेस्ट 3 में 42% आया था। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि 42% ही पास होना ज़रूरी होता है, अगर इससे कम होगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये ब्रिक टेस्ट था, जो टेस्ट नंबर 3 था ये ब्रिक टेस्ट था, और सदियों से, मतलब जब तक अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं ALP के, तो उसमें ब्रिक टेस्ट का पैटर्न कभी भी नहीं चेंज हुआ था। लेकिन जो 2018 की वैकेंसी थी ALP, इसमें से ब्रिक टेस्ट का जो भी कोचिंग में पढ़ाते थे या जो भी बुक आती थी, जो भी जहां से भी आप पढ़ते थे, उसमें ये चेंजमेंट नहीं दिखाया गया था।
लेकिन जब वहाँ पे देने गए तो इसमें आपके पास समय भी नहीं होता है, आपको बस क्वेश्चन देखने होते हैं और तुरंत आंसर करना होता है। तो इसमें बहुत से बच्चे फेल भी हो गए थे, इसमें तो मेरी किस्मत ने 100% साथ दिया था, क्योंकि मैं जैसे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल के आया, मुझे पता चला कि नहीं, उस हिसाब से नहीं करना है जैसे पहले करते आ रहे थे, बहुत सा चेंज था। तो बहुत रोया था मैं उस दिन, मैं महीनों खाना घर पे अच्छे से नहीं खाया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अब क्या होगा, 100% फेल है क्योंकि सारा उल्टा सीधा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करें तो कभी कभी किस्मत आपका साथ दे देती है, तो वो दिन मेरे लिए वैसा ही था कि किस्मत ने अगर उस दिन मेरा साथ ना दिया होता तो यकीन मानिए आज मैं आप लोगों को इतनी बातें ना बता रहा होता, मैं भी तैयारी कर रहा होता, मैं भी फॉर्म भर रहा होता। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करिएगा तो देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछली बार कैसे बने थे। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पिछले पेपर जो आए होते हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप रेलवे का पैटर्न समझ पाएंगे कैसे चेंज हो जाता है। तो इसमें मेरे 42% थे, टेस्ट 4 में 51% थे, टेस्ट 5 में 56% थे, तो इसमें मेरा टोटल 19.90 नंबर बने थे। इसमें मेरे बहुत कम बने थे, बहुत से बच्चों के इसमें 21 भी थे, 22 भी थे, कुछ कुछ के मैंने 23 भी देखे। तो इसमें अच्छे नंबर लाना होता है, तो ये आप लोगों ने देख ही लिया एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस तरीके से मैं किसी भी तरीके पास हो गया, तो आप लोग भी मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें। और होली आ रही है, ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप लोगों के भी जीवन में रंग आए, आप लोग भी नौकरी पाएँ और आप लोग भी इसी तरीके से वीडियो बनाकर आने वाले भाइयों को मोटिवेट करें। तो जितना मुझे दिखाना था या बताना था शायद आप लोग देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, और जो गलतियां की थी मैंने जहां तक की थी आप लोगों को बताने की कोशिश भी की है, उसे आप लोग समझिएगा भी और जीवन में उसे उतारिएगा भी, कोशिश भी करिएगा कि इन गलती, इतनी पढ़ाई और इतनी प्रिपरेशन के बाद जब आप ये मैसेज देखेंगे कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर DB, मज़ा आ जाएगा, दिल आपका झूम उठेगा। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और पढ़ाई जारी रखें, आपको भी ऐसा मैसेज ज़रूर देखने को मिलेगा, आप भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे DB के लिए, मेडिकल के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी होली, और त्यौहार अच्छे से मनाइए, खुशियों से मनाइए और पढ़ाई भी जारी रखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।